नमस्कार साथियों, आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है उन लोगों के लिए जिनका कि आज जन्मदिन है। इसलिए उन सभी को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं दोस्तों, आज के दिन मैं चर्चा करने वाला हूं टाटा मोटर्स लिमिटेड पे, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वेबसाइट का नाम google.com पे है। शेयर प्राइस 969.95 रुपये। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस कंपनी का कामकाज क्या है। टाटा मोटर्स लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई एंड पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप। द कंपनी प्रोड्यूसेस कार्स, ट्रक्स, वैन्स एंड बसेज। सब्सिडियरीज इंक्लूड ब्रिटिश जगुआर लैंड रोवर एंड साउथ कोरियन टाटा डाइवो। फाउंडेड, यानी कि इसका स्थापना 1945 में मुंबई में हुआ था। फाउंडर यानी कि स्थापना करने वाला जेआरडी टाटा, हेडक्वार्टर मुंबई में है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉयों की संख्या 91,496 है 2024 के रिकॉर्ड के अनुसार। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन टाटा ग्रुप है। रिवेन्यू 4.44 लाख करोड़ इंडियन रुपीज में। और जैसा कि आप ऊपर में देख चुके हैं सब्सिडियरीज। टाटा मोटर स्टॉक से संबंधित न्यूज है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाय टाटा मोटर शेयर्स स्टॉक वैल्यूएशन लिस्ट डिमांडिंग अमाउंट ओईएमएस इमकै। तो बिजनेस टुडे पे है ये न्यूज। और दूसरा है TML सिक्योरिटीज ट्रस्ट सेल्स 1.14 करोड़ न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स, जो कि दो दिन पहले का है न्यूज। और इट इन नाउ पर है 10 आवर्स पहले का टाटा मोटर्स शेयर प्राइस टारगेट 2025 ब्रोकरेज से मार्जिन आउटलुक। इसमें सबसे अच्छा न्यूज जो कि नीचे में आपको दिख रहा होगा 9 आवर्स से हो, बाय टाटा मोटर्स टारगेट ऑफ RS 1175 इनके ग्लोबल फाइनेंशियल की तरफ से है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है livemint.com वेबसाइट का नाम है। इस पे इससे अपडेट न्यूज है। टाटा मोटर्स के शेयर की कीमतों में 3 दिन की गिरावट का सिलसिला टूटा। एमके ग्लोबल ने शेयर को अपग्रेड कर खरीदे कर दिया, यानी कि इसके तरफ से सजेशन है कि खरीदे। 22% की बढ़त की उम्मीद किसने जताया? तो एमके ग्लोबल ने। अब थोड़ा इसके मुख्य डाटा पर नजर डालेंगे जो कि screener.in वेबसाइट पर शो हो रहा है। इसका मार्केट कैप 355,812 करोड़ का है। स्टॉक पी 10.5 का है। ROC 20.1% का है और ROE 49.4% का है। करेंट प्राइस 967 रुपया है। बुक वैल्यू 255 रुपया है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर में ट्रेड कर रही है ये शेयर। बट इसका 52 वीक का हाई लो देखेंगे तो 1179 हाई है और 608 लो है। डिविडेंड 0.31% का है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। 1 ईयर का प्राइस चार्ट जो कि काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है पिछले 1 सालों में। इस शेयर के प्राइस मिनिमम जहाँ की देखने को मिल रहा होगा 613 रुपया 1 साल के अंदर में, वहीं पर मैक्सिमम शेयर प्राइस इसका 1161.85 रुपया। इस वेबसाइट पर शो हो रहा है। अब एक नज़र डालते हैं
जून 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट पे, जहाँ पर कि सेल्स 1,08,048 करोड़ का, एक्सपेंस 92,263 करोड़ का, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15,785 करोड़ का हुआ। वहीं पे अदर इनकम 1,747 करोड़ का हुआ, इंटरेस्ट पेड किया 2,088 करोड़ का और डिप्रिसिएशन 6,574 करोड़ का, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट 5,692 करोड़ का और ईपीएस 16.74 रुपया। तो मेरे समझ के अनुसार तो अच्छा ही है स्टॉक, बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। लास्ट 12 मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो इसका ईपीएस जो है 101.58 रुपया है, जो कि बेहतर है। किसी भी स्टॉक के लिए बैलेंस शीट बहुत ही बड़ी मुख्य भूमिका निभाती है। तो बैलेंस शीट पर एक नज़र डालते हैं। इसके पास में रिजर्व है 84,152 करोड़ का, ब्रोइंग वहीं पर 1,07,262 करोड़ का है, अदर लाइबिलिटीज भी है 1,77,340 करोड़ का, फिक्स एसेट है इसके पास में 1,21,285 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट भी है 22,971 करोड़ का, टोटल एसेट 3,69,521 करोड़ का हो चुका है, वहीं पर मार्च 2013 में 1,68,330 करोड़ का था। तो टोटल एसेट में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव देखने को मिला है इस स्टॉक में। इस स्टॉक में जो कमजोरी देखने को मिल रही है वो है प्रमोटर होल्डिंग, जो कि सितंबर 2024 के अनुसार प्रमोटर अपना होल्डिंग को कम किया है, जो कि अब रह गया है 41.86% का। FIH के पास में 18.12% का है, DIH के पास में 13.33% का है, जो कि जून 2024 की अपेक्षा कम किया DIH भी अपना होल्डिंग। गवर्नमेंट के पास में 0.12% का और पब्लिक के पास में 26.55% का, पब्लिक के पास में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है होल्डिंग्स। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखते हैं तो 49,71,729 है अभी सितंबर 2024 के अनुसार। अब एक नज़र डालते हैं nseindia.com वेबसाइट का नाम है इस पर, तो इस शेयर के प्राइस 969.95 रुपया शो हो रहा है। और यहाँ पर एक अच्छी बात देखने को मिल रही है, जो कि डिलीवरी परसेंटेज 54.88% का, जो कि अच्छा माना जाता है डिलीवरी परसेंटेज। अंत में मैं तो यही कहूँगा कि ये स्टॉक लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है, बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट न्यूज के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।